बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट। सो टू डिस्कस वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट। वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई टू केमिस्ट, वैगनर एंड ब्रेकनर। वैगनर एंड ब्रेकनर इन 1899। History. In 1899, and at that time, this rearrangement is only applicable on cyclic compound. पहले पहले जब वैगनर एंड ब्रेकनर ने वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट को रिपोर्ट किया तो 1899 में रिपोर्ट किया था, और ये रीअरेंजमेंट जो है ये साइक्लिक कंपाउंड पर एप्लीकेबल थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस रीअरेंजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर मोर एंड मोर कंपाउंड। द मैकेनिज्म फॉर दिस रीअरेंजमेंट वॉज चैलेंजिंग फॉर केमिस्ट एट दैट टाइम, बट इन 1922 साइंटिस्ट नेम मेरवाइन रिवील द मैकेनिज्म फॉर वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट। सो व्हाट इज वैगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट डिफिनेशन? The 1-2 rearrangement reaction, the 1-2 rearrangement reaction, in which hydrogen alkyl or aryl group migrate from one carbon atom neighboring carbon atom. So this 1-2 rearrangement reaction is called Wagner Meerwein rearrangement. What is Wagner Meerwein rearrangement definition? The 1-2 rearrangement reaction. इस rearrangement को हम 1-2 rearrangement भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1-2 shift होता है to adjacent carbon atom in which a hydrogen, alkyl or aryl group migrate. या hydrogen migrate होगा, या alkyl group migrate होगा, या aryl group migrate होगा. From one carbon atom to adjacent carbon atom, this rearrangement is known as Wagner Meerwein rearrangement. So what is the reaction for this rearrangement? Reactant में जो हमारे साथ होगा वो अल्कोहल होगा, अल्कोहल और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड हम HCl भी ले सकते हैं और H2SO4 भी ले सकते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ओलिफिन होगा, ओलिफिन। अल्कोहल रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ओलिफिन होगा, और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा।
अब रिएक्शन क्या है? CH3 कार्बन OH हाइड्रोजन CH3। इस कंपाउंड को 3-3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल टू ब्यूटेन ब्यूटेनॉल कहते हैं, और ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा। तो H प्लस का जो आयन है वो ऑक्सीजन के इस लोन पेयर के साथ बांड बना लेता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3। और इस कंपाउंड का जो नाम है वो है 2,3-डाइमिथाइल-2-ब्यूटीन। इन क्यों आता है? क्योंकि ये अल्कीन है हमारे साथ, अल्कीन यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसी वजह से DUT ब्यूटीन। अब ये रिएक्शन किस तरह परफॉर्म हुआ है इसको समझने के लिए हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म मैकेनिज्म फॉर वैगनर मेंडेलाइन रीअरेंजमेंट, हाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड टू गेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सो दिस इज CH3 कार्बन OH हाइड्रोजन और CH3। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? द रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड हम H2SO4 भी ले सकते हैं। तो H2SO4 का जो H प्लस आयन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बांड बना लेता है, इसके लोन पेयर के साथ। तो एज रिजल्ट क्या होता है? हमें ये कंपाउंड मिल जाता है CH3 CH3 CH3। और यहाँ पर ये एच जब यहाँ पर ओ एच के साथ आ जाता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ओ प्लस H2 और CH3 अपनी जगह पर हाइड्रोजन। इसको हम अब्जूनियम आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अब्जूनियम आयन। अब ये जो अब्जूनियम आयन है इससे ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्पीशी हमारे साथ ये अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इस H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पर ये किस तरह हो जाएगा? CH3 कार्बन एटम CH3 CH3। जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है। ये बॉन्ड इस फैशन में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज होगा और यहाँ से एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 1-2 शिफ्ट होगा।
इसको हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमने पहले भी कहा था अगर हमारे साथ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हमें इसको मोर स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, मसलन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो अब हम इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को, हम टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1-2 शिफ्ट होगा, और शिफ्टिंग किसकी होगी, मिथाइल ग्रुप की। शिफ्टिंग किसकी होगी, मिथाइल ग्रुप की। तो जब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब डायरेक्ट अगर हम इसको करें तो आप लोग इसको नहीं समझेंगे, अगर ये बॉन्ड इस तरफ इस कार्बन एटम की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिव वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, CH3। इस कार्बन एटम पर, इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर CH3 कार्बन एटम, और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यानी इसको इसी वजह से हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं कि एक मिथाइल ग्रुप एक कार्बन एटम से दूसरी एडजेसेंट कार्बन एटम पर चला गया है, तो इसी वजह से इसको हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब इसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये तो हमारा प्रोडक्ट नहीं, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। इसको अल्कीन में, यानी ओलिफिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से ये H+ आयन निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ H+ आयन यहाँ से निकलेगा। तो अगर ये इन दी फॉर्म ऑफ H+ आयन यहाँ से निकलेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, तो अगर ये बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इन दी फॉर्म ऑफ H+ आयन यहां से निकलेगा, तो हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस तरह से है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसी वजह से हम यहां पर डबल बॉन्ड लिखते हैं, कार्बन एटम CH3 CH3। और इसीलिए इसको हम अल्कीन भी कहते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर वेगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर हमारे साथ साइक्लिक कंपाउंड हो, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ मौजूद है, CH3 CH3 और यहां पर OH, इसको हम कहते हैं कंपिनिलोल। कंपिनिलोल और ये कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड किस चीज में, सेंटिन में, सेंटिन ये कन्वर्ट होगा सेंटिन में। अब ये रिएक्शन किस तरह परफॉर्म हुआ है,
इसको मैकेनिज्म से समझते हैं, मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। पहले हमारे साथ जो प्रोडक्ट था इसको हम कंफिनिलोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंफिनिलोल। CH3 और यहाँ पर OH मौजूद है। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहा है तो हम यहाँ पर H प्लस आयन लेंगे। तो ये H प्लस आयन जो है ये ऑक्सीजन की लॉन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेता है और एज अ रिजल्ट इस ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर O प्लस H2 आ जाएगा। अब इस पोजीशन से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहां से रिमूव होगा। तो अगर ये OH2 इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा तो हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा तो ये वाटर तो ये स्पीशीज तो स्टेबलाइज होकर यहां से निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन इस पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं और इसको हम कहते हैं 2° कार्बोकेटाइन। इसको हम क्या कहते हैं? 2° कार्बोकेटाइन। 2° से मुराद क्या है? 2nd कार्बोकेटाइन। अब यहां पर 1-2 शिफ्ट होगा। 1-2 शिफ्ट। शिफ्टिंग किसकी होगी? मिथाइल ग्रुप की। और ये मिथाइल ग्रुप कहां पर शिफ्ट करेगा? यहां पर इस पोजीशन पर। तो अगर ये बॉन्ड कार्बन की तरफ टूट जाता है तो इस पर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर अपने एडजेसेंट कार्बन एटम पर। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप आ जाता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 यहां पर एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ मौजूद है। अभी तक हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं बना है। तो अपने प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए ये हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरफ ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से खत्म हो जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा जब ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा CH3 और यहां पर भी CH3। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल गया है। इस और इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेन। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर वेगनर मेरवांडी अरेंजमेंट फॉर साइक्लिक कंपाउंड। दिस इज ऑल अबाउट वेगनर मेरवांडी अरेंजमेंट। ओके, थैंक्स।